हम लोग थोड़ा सीक्वेंस से चलेंगे इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल बनाने आपको दिया गया था जितना से जितना तक बोलें उसमें जो जो प्रॉब्लम होगा खड़ा होकर बोलेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सोलह से लेकर तेईस तक में जिनको जो जो, जो प्रॉब्लम है खड़ा होकर बोलिए हम नंबर लिख लेंगे खड़ा होके खड़ा होके बोलना है एक एक करके क्वेश्चन नंबर बाई किन का है आपका और आपका चलिए बैठ जाइए और इकतीस इक्कीस ट्वेंटी वन और उन्नीस कल नहीं आए थे क्या आप उन्नीस बताया हुआ है किसी से देख देख लीजिए आपका क्या है तेईस बीस देसी मीटर क्यू को ही लीटर कहते हैं उतने में आपका काम हो जाएगा वैसे ही ये कल बताए हैं कल नहीं ना आए थे आए थे कल आए थे तब कैसे गड़बड़ा गया और बोली एक और इधर से कोई था और है कोई चलिए अब इतना क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद देख लेंगे आगे भी दो डे बीस नंबर सबसे पहले और सुनिए न्यूमेरिकल उतारने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा साथ साथ उतारिएगा यदि बनाना हो तो टू डेसीमीटर सी क्यूब विलियन की नॉर्मलता क्या होगी यदि उसमें तिहत्तर ग्राम एच सी एल टू डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग कहते हैं कितना लीटर दो लीटर अब इससे आगे बताने की जरूरत इसमें नहीं है क्या जी समझ में आया आपको यही ना प्रॉब्लम था आपको क्वेश्चन नंबर इक्कीस आपका था ना क्वेश्चन नंबर इक्कीस कहाँ गए बाईस आपका था इक्कीस कौन पूछे थे आप पूछे थे किसी विलियन की आयतन था नॉर्मलता आयतन दो लीटर है दे, देखो दिया हुआ वॉल्यूम और नॉर्मलता दिया हुआ है दो टू एन का मतलब नॉर्मलता दो उस विलियन में सी एस यू थ्री की मात्रा क्या होगी अच्छा ये बताओ नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलता गुना वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं वेट बटा इक्विवेलेंट वेट नॉर्मलता का मान दिया हुआ है दो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है दो और इक्विवेलेंट वेट सी एस सी ओ थ्री का इक्विवेलेंट वेट पचास होता है तो यहां से वेट नहीं पता चल जाएगा वेट बटा पचास बराबर हो जाएगा चार वेट बराबर हो जाएगा चार गुना पचास बराबर आई बात समझ में क्वेश्चन नंबर बाईस दस का पावर छ एमएम क्यू विलियन में एक सौ ग्राम एनएच उपस्थित है सुन लो बाबू दस का पावर क्यू ही एक लीटर होता है यदि आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आपसे यह क्वेश्चन नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर बाईस की बात हम कर रहे हैं आप याद कीजिए टेन टू पावर थ्री लीटर बराबर होता है टेन टू पावर सिक्स टेन टू पावर नाइन मिलीमीटर क्यों? यह संबंध पता चल गया तो बताइए इसको यदि हम उल्टा करके लिखें, तो लिख सकते हैं टेन टू पावर नाइन मिलीमीटर क्यू बराबर टेन टू पावर थ्री लीटर तो एक लीटर बराबर ए सॉरी एक मीटर क्यू बराबर और टेन टू पावर सिक्स मिलीमीटर क्यू बराबर ये हो जाएगा टेन टू दी पावर थ्री बटा टेन टू दी पावर नाइन गुना टेन टू दी पावर सिक्स ऊपर हो जाएगा टेन टू दी पावर नाइन नीचे हो जाएगा टेन टू दी पावर नाइन कितना लीटर आ जाएगा लीटर और इसमें आपको बस इतना ही समस्या हुआ होगा इससे ज्यादा इसकी इसमें कोई समस्या नहीं है बाईस नंबर आपको समझ में आया नहीं आया चलिए नहीं आया तो हम फिर से बताते हैं। हो आप आपको याद है एक मीटर क्यू बराबर बताया गया था दस का पावर तीन डेसीमीटर क्यू बराबर बताया गया था टेन टू तो दि पावर सिक्स सेंटीमीटर क्यू और यह बराबर था टेन टू तो पावर नाइन ना। मिलीमीटर क्या इस क्लास में आप उपस्थित थे पक्का डेसीमीटर क्यू को ही क्या बोलते हैं लीटर तो हम डेसीमीटर क्यू के जगह यदि लीटर भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा अब बताइए टेन टू पावर थ्री लीटर बराबर होगा टेन टू पावर नाइन मिलीमीटर क्यू हाँ या ना तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं टेन टू पावर नाइन मिलीमीटर क्यू बराबर टेन टू पावर थ्री लीटर तो वही हम कर रहे हैं हम लिख सकते हैं कि चूंकि टेन टू पावर नाइन मिलीमीटर क्यू बराबर टेन टू पावर थ्री लीटर अब हम इसी संबंध को काहे चुने इसलिए क्योंकि क्वेश्चन क्यों एमएम क्यू में है देखिए है लेकिन हमको एमएम क्यू नहीं चाहिए हमको लीटर चाहिए तो हम मिलीमीटर क्यू और लीटर वाला संबंध चुन लिए चूंकि इतना मिलीमीटर क्यों बराबर इतना लीटर इसीलिए एक मिलीमीटर क्यू बराबर दस का पावर तीन बटा दस का पावर नौ लीटर बोलिए अब समझ में आइए क्वेश्चन में कितना दे रखा है टेन टू पावर सिक्स है ना तो हम इसीलिए लिखेंगे टेन टू पावर सिक्स मिलीमीटर क्यूब एक में इतना होता है तो इतना में गुना करना पड़ेगा बताइए कितना बट, कितना लिखे टेन टू पावर थ्री बटा टेन टू पावर नाइन पहले से था गुना इतना गुना करते हैं बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है इसको हम लिख सकते हैं दस का पावर नौ बटा दस का पावर ये कट के हो जाएगा एक कितना लीटर हुआ वही काम हम यहां पर किए था थोड़ा यहां शॉर्टकट हम चले अब बताइए वॉल्यूम पता चल गया ना सॉल्यूट का मास कितना है सौ ग्राम तो नॉर्मलिटी निकालना है तो एनए है सौ ग्राम एनएच का वेट चालीस होता है तो 100 सौ बटा चालीस ग्राम इक्वेलेंट आ जाएगा या आ जाएगा 2.5 पॉइंट फाइव ग्राम इक्वेलेंट और आप सब लोग जानते हैं नॉर्मलता निकालने के लिए ग्राम इक्वेलेंट चाहिए ऊपर और वॉल्यूम लीटर में चाहिए नीचे तो यहाँ से नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 2.5 पॉइंट फाइव बटा एक बराबर टू आंसर आया समझ में आपको पीछे बाईस नंबर पूछे थे ना पीछे से इधर कोई लड़की पूछी थी क्या आप समझ में आया बैठ जाइए दोनों आदमी बैठ जाइए तो ये था क्वेश्चन नंबर बाईस एक और क्वेश्चन आप पूछे हैं क्वेश्चन नंबर तेईस एक विलियन की नॉर्मलता टू एन है यानी नॉर्मलता का मान कितना दो जिसमें एक केजी जी थ्री उपस्थित है एक केजी जी सी ओ थ्री एक के है इसका मतलब एक हजार ग्राम बोलिए अच्छा एक हजार ग्राम है तो हम ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक बटा पचास कैसे लिखे एक हजार बटा पचास सी थ्री का इक्विवेलेंट वेट पचास होता है और वेट बटा इक्विवेलेंट वेट करने पर हमको ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है ये कितना बार में कट जाएगा बीस बार यानी ये आ गया बीस ग्राम इक्विवेलेंट आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलता बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम नॉर्मलिटी रख दो, दो ग्राम इक्विवेलेंट रख दो बीस वॉल्यूम इधर आएगा दो इधर आएगा वॉल्यूम दस लीटर आ जाएगा समझ में आया जो किताब हम लिख रहे हैं उसमें इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बना रहेगा ऐसे तो किताब में सॉल्यूशन न बना हुआ रहता है अब सॉल्यूशन हम ही बना के दे देंगे तो सब बनाएगा नहीं तो सब क्या करेगा छाप देगा हाँ आंसर देना जरूरी है आंसर ये हम समझ रहे हैं आंसर देना जरूरी है वो आंसर अब आ जाएगा आप लोग को तो खैर नहीं मिल सका लगता है आप लोग मन आप लोग कॉन्फिडेंस लो में रहिए कि आप लोग का सही होगा गलत होने का बातें नहीं है जिसमें कन्फ्यूजन हो आप पूछ लीजिए हमसे तब बुक लेना पड़ेगा ना ठीक है ठीक है हम आगे आगे के असाइनमेंट में ध्यान रखेंगे या आगे का क्वेश्चन एक्चुअल में हमको बैठ के ना सब सॉल्व करना पड़ेगा पूरा लिखना पड़ेगा हमको तो लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप तो ऐसे ही दूर कर ही लेते हैं अच्छा ठीक है हम ध्यान देंगे अगला असाइनमेंट जो आपको अगला चैप्टर का मिलेगा उसका आंसर लिख देंगे एक्चुअल में आंसर लिख देने के बाद भी एक दिक्कत होता है ना कि आप लोग घुमा फिरा के आंसर मिला देते हैं जबरदस्ती वो मिला देता है दस बटा बीस कर देगा दो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो आंसर शुरू में जाने बूझ के नहीं दिया गया था कि आप, आप सस्पेंस में रहिए तब ना आप हमसे पूछिएगा हो गया क्या, क्या लिख लिए तो ये था नॉर्मलता से संबंधित अब मोलरता से संबंधित यानी क्वेश्चन नंबर चौबीस से लेकर पैंतीस तक रुक जाए पहले इसको मिटा दें क्या अब आप लोग एक तरफ से लिखाइए और खड़ा होके बोलना है आदत डालिए बोलने का खड़ा होने का बोलिए क्वेश्चन नंबर बताइए अट्ठाइस बैठल बैठल मंत्र पढ़ेंगे बैठ जाए अट्ठाइस और बत्तीस और पैंतीस और अब नहीं है आपका क्या है थर्टी वन है और किसी का कोई प्रॉब्लम है एक काम करते हैं पहले इतना देख लेते हैं ठीक है अब इतना देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है देखो इस बात से हमें कभी चीट नहीं होती है कि आप एक तरफ से क्वेश्चन पूछ दिए वास्तविकता यह है कि इस क्वेश्चन को बनाने में हमको बहुत लगेगा तो आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा और वो जो टाइम लगेगा वो लिखने में जो लग जाए वो हम पूरा लिखेंगे थोड़े यदि हमको बनाना हो तो अरे थोड़ा समझाना है थोड़ा टाइम देते हैं यार तो टाइम देने के लिए तो हम हैं हमारा और काम क्या है अरे हम टाइम बचा के कहाँ जाएंगे आप जो हमको रुपया देते हैं किस काम के लिए देते हैं टाइम देने के लिए देते हैं आपको बताने के लिए देते हैं अब वही काम अच्छा से नहीं हो तो क्यों रुपया देंगे आप एक सिंपल सा फंडा है आप पूछिए और हम बताएं ही नहीं तो फिर हम हैं किस लिए इसलिए धरफराने की कोई जरूरत नहीं आप यदि एक तरफ से भी टोटल पूछ देंगे तो हम टोटल बता देंगे लेकिन कोशिश ये रहे आप लोगों का कि बताने के बाद दोबारा आप उलझे नहीं उसमें सुलझ जाइए घर पर जाके खुद से बनाइए एक बार यहाँ हम बना दिए बाद में घर पर जाके आप एक बार फिर खुद से बना लीजिए देखिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा हमारे ख्याल से तो प्रयास करेंगे तो होगा और दूसरा ये है कि पूछने में हिचकिचाइए नहीं लजाइए नहीं पूछने में कैसा लजाना सरमाना भाई आपको आ नहीं रहा है और आप लजा रहे पूछ ही नहीं रहे वैसे में तो आप और गड़बड़ाते चले जाएंगे ना आगे तो उस हेजिटेशन को ख़त्म कीजिए अब अब आप बच्चे नहीं हैं बस इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है थ्योरी वाले क्लास में हम आपको साथ साथ लिखने नहीं देते हैं यहां आप साथ साथ लिखते जाइएगा ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पच्चीस 200 सौ क्यूब मीटर क्यू विलियन वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सौ क्यूब डेसीमीटर क्यू क्यू को ही हम लीटर कहते हैं इसलिए यह हो गया 200 लीटर खड़े हो जाइए डेसीमीटर क्यों लीटर कहा जाता है आप ही का ना क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर पच्चीस और आगे है एक के जी सी एस यू थ्री सोल्यूशन के जी को ग्राम में कैसे बदलते हैं एक हजार से गुना करते हैं तो सी एस यू थ्री का जो वेट दिया हुआ है वह दिया हुआ है एक के जी और इसी को हम लोग कह सकते हैं एक हजार ग्राम और ग्राम को मोल में कैसे बदला जाता है वेट बटा मोलिकुलर वेट सीएस सीएसयू थ्री का मोलिकुलर वेट हंड्रेड होता है तो इससे भाग दे दीजिए ये हो जाएगा थाउजेंड बाय हंड्रेड बराबर कितना मोल हो जाएगा सॉल्यूट हो गया दस मोल वॉल्यूम हो गया दो सौ लीटर मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है मोल बटा वॉल्यूम मोल है कितना दस और वॉल्यूम कितना ठीक है समझ में आया बैठ जाइए क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस टेन परसेंट वेट वाई वी एन एच विलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता क्या होगी टेन परसेंट वेट वाई भी एनएच विलियन खरे हो जाए वॉट यू मीन बाई टेन परसेंट वेट वाई वी एन एच सोल्यूशन टेन परसेंट वेट वाई वी एन एच सोल्यूशन मीन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हंड्रेड एम एल एंड वेट ऑफ एन एच टेन ग्राम समझे हंड्रेड एम को लीटर में बदलेंगे तो एक सौ बटा एक हजार यानी एक बटा दस लीटर आ जाएगा दस ग्राम एनएच कितना मोल होगा ग्राम को मोल में कैसे बदलेंगे मोलिकुलर वेट से भाग दे बेसिक छूटा हुआ है क्या आपका ये हो जाएगा दस बटा चालीस एनएच का मोलिकुलर वेट चालीस होता है यह हो जाएगा एक बटा चार, चार। बताइए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है मोल बटा आयतन मोल आया एक बटा चार और आयतन आया एक बटा दस यह हो जाएगा दस बटा चार नहीं टू पॉइंट फाइव होगा मोलरता निकल गया लेकिन आपसे क्वेश्चन में नॉर्मलता भी पूछा है तो नॉर्मलता भी इसका सेम ही होगा क्योंकि एन एच का एन फैक्टर एक होता है जिस सोल्यूट का एन फैक्टर एक हो उसका मोलरता और नॉर्मलता दोनों आपस में बराबर होता है क्योंकि आप याद कीजिए नॉर्मलता बराबर एन गुना एम हम लोग पढ़े थे एन फैक्टर का मान एक मोलरता दो दशमलव पांच तो आंसर आ जाएगा दो दशमलव बैठ जाइए ये था क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस देखिए जिस लेवल पर आप पढ़ाई करते हैं ना उस लेवल पर जनरली टीचर के दिमाग में ये रहता है कि किसी तरह बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछे समझ रहे हैं आप उसका दो रीज़न है एक तो इतना बड़ा सिलेबस है तुम कहाँ से क्या पूछोगे और कहीं बेचारे सर ही फंस गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी एक पहला रीज़न है जो कि रेयर है टीचर लोग पढ़ाएंगे तो नॉलेज लेके ही पढ़ाएंगे दूसरा रीज़न ये है कि यदि तुम बार बार पूछते रहोगे तो सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा तो जनरली टीचर के दिमाग में ये रहता है कि तुम जितना कम से कम पूछो और इसमें मैक्सिमम नुकसान तुम्ही को है ये एक सच्चाई है हम यदि तुम्हारे साथ काम करते हैं तो हमारा कभी यह सोच नहीं रहता है कि तुम कम से कम पूछो हम चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा पूछो इससे क्या होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा तुम्हारे मन का जो कमी है एक तरह से जो आप फील करते हैं कि हम यहां पर कमजोर हैं आप पूछिएगा तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इससे आपका बहुत जबरदस्त फायदा होगा कोई मैटर नहीं करता है कि आप लगातार पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं। हाँ हो सकता है कभी कभी खींच के आपको कुछ बात कह दें अरे भाई टीचर हैं कह सकते हैं बात क्या लतिया भी सकते हैं क्या फर्क पड़ जाता है माँ बाप के हाथ से टीचर के हाथ से मार खाना ये वेजती नहीं है ये तो एक संस्कार है तो इसमें हमारे ख्याल से लड़खराना नहीं चाहिए या अपने आप को इसमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारा तो बेजती हो गया कर करा के एक बार जानता है क्या किया एक लड़का बताते हैं इसको थोड़ा बंद करके बताते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है बत्तीस टेन परसेंट वेट बायट एनएच सोल्यूशन की नॉर्मलता था मोलरता क्या होगी यदि ग्राम पर से जो। खरा हो जाए आप वेट बाय पूछेट एनएच विलियन यही है ना ये बताइए तो टेन परसेंट एनएच टेन परसेंट वेट बाय एन एच का मतलब क्या होता है एक सौ ग्राम सोल्यूशन उसमें दस ग्राम एन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मोलरता तथा तो नॉर्मलता क्या होगी मोलरता तथा तो नॉर्मलता निकालने के लिए आपको आयतन चाहिए लेकिन विलियन का दिया हुआ क्या है ग्राम लेकिन बगल में तो डेंसिटी भी दिया हुआ है कितना एक दशमलव एक ग्राम पर सीसी है ना जी अब आप बताइए कि डेंसिटी और मास की मदद मतलब से आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते ये हो जाएगा डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी अरे वॉल्यूम इधर जाएगा गुना में डी धर आएगा तो बट्टा में तो मास बाय डेंसिटी से निकल जाएगा वॉल्यूम सुनो मास का वैल्यू रख देंगे एक सौ और डेंसिटी एक दशमलव एक सुन लो ये एम एल में आएगा चूंकि डेंसिटी सी सी में है ना अरे सी सी आई एम एल में आएगा इसको बदल देना लीटर में ये हो जाएगा एक सौ बट्टा एक दशमलव एक बट्टा एक हज़ार करेंगे तो नीचे में एक हज़ार से गुना हो जाएगा दो जीरो दो जीरो कट जाएगा एक बटा ग्यारह हो जाएगा इतना लीटर अच्छा एन एच का मोल निकाल लो दस बटा चालीस हो जाएगा ये या। यानी या एक बटा चार मोल अब बताओ मोल निकल गया आयतन निकल गया तो मोलरिटी नहीं निकल जाएगा जो मोलरिटी होगा वही नॉर्मलिटी होगा क्योंकि एन एच है ना एन एच का एन फैक्टर एक ना होता है क्या भाई आगे सॉल्व करने की जरूरत है मोलरता बराबर हो जाएगा एक बटा चार बटे एक बटा ग्यारह आंसर आ जाएगा ग्यारह बटे चार सेम आ जाएगा क्वेश्चन नंबर उनतीस के बाद इकतीस एक हजार सीसी वॉल्यूम दिया हुआ है आपको एक हजार सी सी एम बाई टेन एम बाई टेन का मतलब तो बहुत आसान है रे मोलरता बराबर होता है ना मोल बटा आयतन ये एक लीटर आप लीजिए एक हजार सीसी को लीटर में बदल दिए अरे इस फॉर्मूला में मोल आयतन लीटर में ना होता है मोल हो जाएगा आपको सॉरी मोलरता का मोलरता का मान एक बटा दस रेम का मान दिया हुआ दस एक बटा दस मोल और आयतन एक तो मोल इतने रह जाएगा एक बटा दस इसका आंसर आएगा एम बाई टेन का मतलब एक बटा दस होता है एम बाई टेन का मतलब होता है एक बटा दस मोलरता का मान एक बटा दस ये तो बताए भी थे हम क्लास में M by 10 का मतलब मोलरता एक बटा दस एन बाइ ट्वेंटी लिखा हुआ है इसका तो नॉर्मल था एक बटा बीस टू एन लिखा हुआ है इसका तो नॉर्मल था दो ठीक है देखो एम बाई ट्वेंटी रहे समझ लीजिए मोलरता का मान एक बटा बीस है क्वेश्चन नंबर बत्तीस एक हजार सी सी एम बाई ट्वेंटी नॉर्मल था सेम क्वेश्चन है आप पूछे हैं ये क्वेश्चन खड़ा हो जाइए आप ही नहीं पूछे हैं बन जाएगा क्या आप ये क्वेश्चन देखो एक बार फिर से हम बता देते हैं हिंट कर देते हैं वॉल्यूम कितना एक हजार सी सी है ना रे एक हजार सी सी का मतलब कितना लीटर एक लीटर और ये बताओ मोलरता कितना एक वटा बीस तो बताओ यहां से मोल नहीं ज्ञात कर लोगे मोल तुमको एक बटा से आ जाएगा अब मोल से ग्राम नहीं पता चल जाएगा अच्छा क्वेश्चन में नॉर्मलता भी पूछ रहा है तो नॉर्मलता इन फैक्टर से निकाल दीजिए एस टी फोर का इन फैक्टर दो होता है सुनिए इसका मोलरता यदि एक बटा बीस है तो नॉर्मलता होता है एन गुना एम ये हो जाएगा दो गुना एक बटा बीस यानी एक बटा दस नॉर्मलता एक बटा दस आएगा मोल आप निकाल लीजिए मोल तो एक ब... मोल आएगा जी सुनो इधर मोलरता का मान मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल बटा वॉल्यूम मोलरता एक बटा बीस है और वॉल्यूम एक है तो मोल तो बराबर हो गया एक बटा बीस ये आंसर हो जाएगा एक बटा बीस गुना अंठानवे नहीं समझा क्या ऐसे मोलरता का मान रखो एक बटा बीस मोल बटा एक यानी मोल कितना हो गया एक बटा बीस मोल कौन चीज एसटो फोर फोर के मोल को ग्राम में बदल दीजिए क्योंकि आपसे बाहर ना पूछ रहा है तो एक बटा बीस गुना अंठानवे क्योंकि किसी भी चीज के मोल को ग्राम में बदलने के लिए वेट से गुना करते हैं ग्राम को मोल में बदलने के लिए भाग दिया जाता है मोल को ग्राम में बदलने के लिए गुना किया जाता है तो छोड़िए ना आपको ये फॉर्मूला याद है मोल बराबर वेट बटा मोलिकुलर वेट वेट निकालेंगे तो मोल गुना मोलिकुलर वेट होगा मोल निकालेंगे तो वेट बटा मोलिकुलर वेट होगा समझ में आई बात ऐसे बनेगा तो ये था क्वेश्चन नंबर बत्तीस क्वेश्चन नंबर पैतीस तीन हजार सीसी वॉल्यूम दे दिया आपको तीन हजार दो इनका मतलब बोले थे ना नॉर्मल था दो विलियन में एस थ्री फोर का कुल भार क्या होगा नहीं निकाल लेंगे ऐसे ही निकलेगा ये ऐसे हम बता देते हैं आप इसको निकालिए यहां तक उतारिए हम बता देते हैं यह है क्वेश्चन नंबर पैंतीस तीन हजार सीसी यानी वॉल्यूम आपको दे दिया तीन हजार सीसी इसको हम कह सकते हैं तीन लीटर नॉर्मलता दे दिया आपको दो तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा तीन गुना दो बराबर छः ये तीन गुना दो कैसे भाई समझ में आया किसी को नहीं समझ में आया तो जान लीजिए आप याद कीजिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है नॉर्मलता गुना वॉल्यूम अने छोड़ो नॉर्मलता बराबर होता है ना ग्राम ये गुना को तो बट्टा में नहीं हो जाएगा। ग्राम बटा आपको दो और वॉल्यूम कितना है तीन छ हो गया अब बताओ छो एच थ्री पीओ फोर का इक्विवेलेंट वेट होता है अंठानवे बटा तीन देखो एच थ्री पीओ फोर टूटता है थ्री एच प्लस में और पीओ फोर थ्री माइनस में इसका एन फैक्टर हो गया कितना तीन और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है N तो वेट वेट बाय फैक्टर तो इक्विवेलेंट ऑफ जब आप निकालिएगा ना तो ये आएगा आपको अंठानवे बटा तीन और कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया है इक्विवेलेंट आप याद कीजिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्वेलेंट आपको आया छ वेट चाहिए और इक्विवेलेंट वेट अभी तुरंत ना आया है अंठानवे बटा तीन अंठानवे बटा तीन यहां से वेट नहीं निकल जाएगा यह हो जाएगा एक सौ छियानवे जब आप छियानवे एक सौ छियानवे गुना भाग कीजिएगा निकल जाएगा हो okay. गया इसी तरह से बनेगा ये क्वेश्चन अभी सुनिए ये क्वेश्चन समाप्त तो नहीं हो पाया है कल बंद नहीं है कल क्लास खुला हुआ है अरे तो हम बोले थे ना कि संडे को न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा ऐसे भी ये यदि पूरा खत्म हो जाता तो टेंशन तो नहीं था आ? इसी टाइम में हाँ आठ से नौ में कल क्लास है न्यूमेरिकल का ठीक है कल सिर्फ न्यूमेरिकल ही होगा थ्योरी नहीं होगा आपका अपना जो प्रॉब्लम होगा वो सब भी पूछ लीजिएगा और जो असाइनमेंट का होगा वो भी पूछ लीजिएगा टाइम बचेगा तो हम अपनी तरफ से भी और बता देंगे सोमवार से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा